So, today we are going to start with the chapter number one of financial accounting for semester five, and the chapter is internal reconstruction. So, internal reconstruction we are going to start uh, today, and we will be dealing with all the basics of internal reconstruction in this video. So, uh, do listen it properly. You can clear all your basics of internal reconstruction from this chapter, and then from the next sessions to come, we will solve practical questions step by step, which are

एंड द सेकेंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट विच यू आर गोइंग टू लर्न इन टी वाई बी कॉम सेमिस्टर फाइव इज कॉस्टिंग तो ये जो दो सब्जेक्ट्स है ये दो सब्जेक्ट्स आप अपने टी वाई बी कॉम फाइव सेमिस्टर फाइव में पढ़ने वाले हो और दो अकाउंट्स है जो तो आपको कंपल्सरी रहेगा अगर आप अकाउंटेंसी ग्रुप लेते हैं नंबर वन

जो यूज़ किया जाता है और जिससे हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको रीड्राफ्ट करते हैं कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको रीफ्रेम करते हैं बिकॉज कंपनी की बैलेंस शीट एक्चुअली ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन रिवील नहीं कर रहा है द कंपनी इज़ नॉट शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू तो दैट इज़ वाई वी विल बी डूइंग वॉट वी विल बी रीड्राफ्टिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस करेंगे हमारे असेट्स को अप्रिसिएट करेंगे हमारे लाइबिलिटी होल्डर्स जो है उनको पे करेंगे लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो मेथड है यहाँ पे बिजनेस को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है दैट दैट मीन्स इट इज़ अ मेथड विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मतलब कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती जैसे अगर हम अमाल की बात करें तो अमाल में एक नया कंपनी फॉर्म होता है वेन एवर वी आर एक्वायरिंग एनी कंपनी एक नया कंपनी एक दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेता है तो उस केस में एक का बिजनेस बंद हो जाता है दूसरे का बिजनेस एग्जिस्टिंग और बड़ा हो जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक मेथड है जहां पे हम क्या करने वाले हैं कि बिजनेस को बंद किए बिना वाइंडिंग अप किए बिना रीड्राफ्ट करेंगे फॉर्मिंग अ न्यू वन या रीड्राफ्ट करेंगे हम हमारी बैलेंस शीट को और उसमें हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने वाले हैं और शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते वक्त बहुत सारे प्रोविजन है जो हमें यहां पे ध्यान में रखने हैं तो ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ये सेक्शन 66 में कवर होता है इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 याद रखना बिकॉज ये सारी चीजें आपको फॉल्स या या मैच द फॉलोइंग में पूछी जाती है तो वाई देर इज अड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना क्यों जरूरी है वो भी हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अ मेथड इन विच वी आर

मिस्टर ए जो है एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड उसका ओनर है ठीक है अब क्या प्रॉब्लम हुआ 2017 ईयर में मिस्टर ए की जो कंपनी है उसको हैवी लॉसेस हुए 2018 में भी लॉसेस कंटिन्यू हुए 2019 में भी उनको काफ़ी सारा लॉस हो गया 2020 में भी उनको काफ़ी सारा लॉस हुआ अभी ए को प्रॉब्लम प्रॉब्लमराइज हुआ ये टेंशन में आ गया ए थॉट ना वॉट टू डू इन दिस सिचुएशन ए ने सोचा अभी इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ अब अगर मैं लॉस ही अर्न करते रहूँगा तो अब मैं मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे पेमेंट करूँगा मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी उसके बारे में उसने काफी सारी चीजें सोची फिर ए ने क्या किया एक कंसल्टेंट की राय ली तो ए ने क्या किया कंसल्टेंट के पास गया कंसल्टेंट के पास गया ए की मीटिंग फिक्स हुई ए ने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरे कंपनी में इतने सालों में लॉस ही आ रहा है सभी इयर्स में लॉस है तो कंसल्टेंट ने बोला कि आई वॉन्ट टू सी द बैलेंस शीट आई वॉन्ट टू सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंसल्टेंट ने जैसे ही उनकी बैलेंस शीट देखी तब कंसल्टेंट को लगा कि इनकी बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रही है ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन वो रिवील नहीं कर रही है तो कंसल्टेंट ने क्या किया बैलेंस शीट को देखा और बैलेंस शीट देखने के बाद बताया कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रही है करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखा रही है आइए हम देखते हैं एग्जैक्टली कि इनकी बैलेंस शीट क्या क्या दिखा रही थी तो दिस वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ए इफ यू सी वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज टेन इच ऑन द लाइबिलिटी साइड वी हैव नाइन परसेंट प्रेफरेंशर ऑफ हंड्रेड इच सिक्स लैक्स ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर्स एक है बैंक लोन रखा है क्रेडिटर्स है फिर लैंड एंड बिल्डिंग है फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर यहाँ देखे तो वो है गुडविल अभी हमने देखा कि इन द ईयर 2017, 18, 19, 20 नाइनटीन ट्वेंटी उनको लॉस हो रहा है तो अगर किसी कंपनी को लॉस होता होगा तो क्या उनके बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल होगा गुडविल इज वॉट गुडविल इज रेपेशन तो गुडविल अगर बैलेंस शीट के असेट साइड में दिख रहा है तो ऐसे कंपनी को लॉस कैसे हो सकता है इसीलिए जो गुडविल है इनटैंजिबल अट्स फिर ये जो फिक्टिशियस एसेट हमारे पास यहाँ दिख रहा है प्रलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस इज व्हाट फिक्टिशियस इज काल्पनिक एसेट तो अगर कोई हैवी एक्सपेंडिचर आपने किया है वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिखा है मतलब क्या है कि ऐसे असेट जिसका एक्चुअली वैल्यू नहीं है लेकिन वो भी हमने हमारे असेट साइड में लिख के रखा है और बैलेंस शीट का टोटल ट्वेंटी लैक्स दोनों साइड में आ रहा है तो दैट इज वाई जो कंसल्टेंट ने कहा कि कंसल्टेंट ने ये कहा कि जो भी आपकी असेट साइड है उसमें ऐसे असेट्स है जिसका कोई एक्चुअल वर्थ नहीं है बिकॉज अगर आप सोचो कि चारों सालों में उनको लॉस होता है तो हाउ कैन दे हैव द गुड इन द बैलेंस शीट असेट साइड इसीलिए ये सारे जो असेट्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा उनको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा उनको हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा उनको अगर हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो वही सिस्टम को हम कहेंगे कि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन मतलब क्या करेंगे हम कि बैलेंस शीट को हम रीड्राफ्ट करेंगे एज पर द प्रोविजन जैसे जैसे प्रोविजन है जैसे जैसे पॉइंट अराइजेस होते हैं वैसे वैसे हम हमारे असेट्स को राइट ऑफ करते जाएंगे फिर हमारे जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू यहाँ फाइव लैक्स दिख रही है लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी अप्रिसिएट हुई रहेगी तो अप्रिसिएशन का वैल्यू यहाँ रिकॉर्ड करेंगे कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जिनको डेप्रिसिएट किया जाता है अगर हम लाइबिलिटी साइड की बात करें तो लाइबिलिटी साइड में जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको हम कहेंगे कि आपको हम अभी पेमेंट थोड़ा कम देंगे बिकॉज कंपनी वाइंड अप जो होने वाली थी उसके लिए अभी हम रिड्राफ्ट करने वाले हैं कंपनी को तो अकॉर्डिंगली उस केस में सभी लाइबिलिटी होल्डर्स को धीरे धीरे सेटलमेंट किया जाएगा कि इतना पैसा आपको मिल सकता है वो लोग भी एग्री हो जाएंगे बिकॉज कुछ नहीं मिलने वाला है तो थोड़ा बहुत अमाउंट मिलेगा तो दैट विल बी बेटर फॉर देम तो इसीलिए हम लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करेंगे असेट्स के वैल्यू को एप्रिसिएट या डेप्रिसिएट करेंगे और जो हमारे फिट्टीशियस असेट्स है उसको हम राइट ऑफ करेंगे यही सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में करनी है और वो कंसल्टेंट ने परफेक्ट हमको एक ऑप्शन दिया कि एग्जैक्टली exactly कि वॉट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम विद द कंपनी द कंपनी इज नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू एंड सिंस द कंपनी इज़ नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू हमें हमारे बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करना ज़रूरी हो जाएगा तो यही बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है ठीक है अभी नीड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस किया सबसे पहला नीड क्या है कि लाइबिलिटीज आर ओवर ड्यू काफी सारे लाइबिलिटीज हमारे लाइबिलिटी साइड में दिख रहे हैं तो लाइबिलिटीज जितनी बढ़ती जाएगी उतना बर्डन कंपनी पे बढ़ेगा तो वो हमें पेमेंट करना जरूरी है इसलिए हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है कि फाइनल अकाउंट इज नॉट शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू मैंने अभी आपके साथ बात की The final account, which financial statement, jo hai, that is not showing clear picture related to the company. Since it's not showing clear picture related to the company, there arises a need for internal reconstruction. And the third reason is uh, too many intangible assets are shown on the balance sheet asset side. If you see. मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि काफ़ी सारे इंटेंजिबल असेट्स है काफ़ी सारे फिक्टीशियस असेट्स है जो हमारे बैलेंस शीट में दिख रहे हैं तो वो इंटेंजिबल असेट्स को भी हमें बैलेंस शीट से रिमूव करना है तो इसके लिए भी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन जरूरी हो जाता है तो वैसे तो बहुत सारे रीजन है लेकिन ये मेजर तीन रीजनस हैं जो मैंने आपको बताया अभी नंबर वन लाइबिलिटी इज ओवर हो गए नंबर सेकेंड फाइनल अकाउंट्स इज नॉट शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू एंड नंबर थर्ड इज टू मेनी इंटेंजिबल अग्जिस्ट इन दी बैलेंस मूव फर्दर देन नाउ थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं इंटरनल वर्सेज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन देखो दो चीजें है यहाँ पे एक है हमारा इंटरनल और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल अगर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है जो कंपनी है दैट इज नॉट लिक्विडेटेड लिक्विडेटेड का मतलब है हम किसी को कंपनी यहाँ बेचने वाले नहीं है लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो टोटली totally अलग कंसेप्ट है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में देयर अराइजस अ कंसेप्ट ऑफ अमालगमेशन मतलब हम एक दूसरे के साथ मर्ज होने वाले हैं या देयर अराइजस अ कंसेप्ट ऑफ एक्विजिशन हम किसी और का बिजनेस को एक्वायर करने वाले हैं जैसे बहुत सारे मार्केट में आपने देखा होगा तो बिग जाइंट्स होते हैं वो दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं जैसे अभी मार्केट में बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर में कंपनीज थी लेकिन अभी अब अगर आप देखो तो वी हैव हाँ एयरटेल वी हैव हाँ जियो और वोडाफोन और आइडिया आपस में मर्ज हो गए बिकॉज वो मार्केट के साथ कॉम्पीट करना चाहते थे इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस को मर्ज कर दिया है तो इंटरनल और एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन का सिंपल डिफरेंस क्या है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में कोई भी नई कंपनी फॉर्म नहीं होती जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी को हम रीड्राफ्ट uh, करते हैं उसी के बैलेंस शीट को हम रीफ्रेम्ड करते हैं जैसे जैसे जितने असेट्स होंगे उस असेट्स को राइट ऑफ कर लेंगे जो असेट्स एक्चुअली असेट्स नहीं है फिर भी हमारे असेट साइड में हमने लिखे थे दैट वॉज फिक्टिशियस असेट्स तो इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन न्यू कंपनी इज नॉट कमिंग इन टू बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन

कोड इंट्रोड्यूस किया गया है मतलब यह एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए ठीक है सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की वो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम होती है जो फॉलो होती है अभी हम थोड़े थोड़े मेथड्स पढ़ेंगे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्या क्या मेथड तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो मेथड नंबर वन है दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल देखो अल्टरेशन का मतलब यहाँ पे होता है रेड्यूसिंग ठीक है अल्टरेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे अल्टरेशन का मतलब होता है आपके शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना जैसे पहले हमारे शेयर कैपिटल की वैल्यू थी टेन रुपीज अभी हम हमारे शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके उसकी वैल्यू सिक्स रुपीज बना देंगे तो सिक्स रुपीज हो सकती है टू रुपीज हो सकती है तो ये जो पॉइंट है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल इसमें कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन जो लेटेस्ट हमने अपडेट अभी देखा है उसका सेक्शन सिक्सटी जो है एंड सेक्शन सिक्सटी जो है दैट कवर्स दल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल तो इफ यू सी अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज नथिंग बट रिडक्शन द शेयर कैपिटल एंड दिस इज कवर्ड एज पर सेक्शन 61 एंड 64 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगला मेथड देखेंगे सेकेंड जो मेथड है हमारा कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट। देखो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट मतलब ये लाइबिलिटीज से रिलेटेड होता है जो भी हमारे लाइबिलिटीज है जो भी हमारे शेयर होल्डर्स है वो तो हम उनको क्या कहेंगे कि आप अपने राइट्स को थोड़ा कम कर दो तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को अगर हमें पेमेंट करना है टू लैक्स तो हम उनको कहेंगे कि हम कंपनी को रीड्राफ्ट कर रहे हैं हम आपको एटी थाउजेंड वन लैक एटी थाउजेंड पेमेंट करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड का आप हमें डिस्काउंट दे दो तो वो लोग भी एग्री हो जाएंगे बिकॉज उनको एक साथ पेमेंट मिलेगा तो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट इंडिकेट्स दैट ओके फिर वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स तो शेयर होल्डर्स की जो राइट्स होंगी वो भी उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं जैसे अगर हम देखें कि प्रेफरेंस प्रेफरेंस को हमें डिविडेंड कंपल्सरी देना पड़ता है तो अगर हमने देखा कि 11% परसेंट प्रेफरेंस है तो हम उनको कहेंगे कि आपका जो 11 है, उसे हम चेंज करते, uh, तो करते रहेंगे ठीक है और लास्ट वाला पॉइंट है हमारा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो मैंने आपको अभी बताया अल्टरेशन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इंडिकेट्स सेम तो ये सारे तरीकों से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये सारे मेथड से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है कोई भी नया कंपनी फॉर्म नहीं होता है जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी है वही एग्जिस्टिंग कंपनी के ही बैलेंस शीट को हम रीड्राफ्ट करते हैं ताकि ये बैलेंस शीट जो है ट्रू एंड करेक्ट पिक्चर कंपनी का दिखा पाए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ध्यान से याद रखना दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सी आर अभी मैं सी आर सी आर यूज करूंगा तो सी आर का मतलब यहाँ पे क्रेडिट नहीं है सीआर का मतलब यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन है तो देखो अगर कैपिटल रिडक्शन की बात करें तो कैपिटल रिडक्शन एक टेम्पररी अकाउंट है जो हम सिर्फ इसी चैप्टर के लिए बनाते हैं और जो हम सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए ही बनाते हैं तो वी आर प्रीपेरिंग कैपिटल रिडक्शन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन देयर एग्जिस्ट द डिफरेंस इन एनी काइंड ऑफ पॉइंट से फॉर एग्जाम्पल वी नीट टू पे वन लाख रुपीज टू अवर क्रेडिटर्स एंड टेल देम कि यू विल बी पेड ओनली एटी थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड का डिस्काउंट है तो हमें एक लाख का पेमेंट करना है हमने एटी थाउजेंड का पेमेंट किया तो रिमेनिंग जो ट्वेंटी थाउजेंड है दैट इज द प्रॉफिट फॉर द कंपनी इसीलिए दैट प्रोफिट विल बी ट्रांसफर्ड अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो वो सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर होगा जिसको हम कैपिटल रिडक्शन बोलेंगे और जो ये कैपिटल रिडक्शन है ये जैसे हमारा पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा वहां से हम पूरा बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे तो ये एक टेम्पररी अकाउंट है तो कैपिटल रिडक्शन में क्या होता है जो भी सैक्रिफाइस किया होता है हमारे डिबेंचर होल्डर्स ने हमारे क्रेडिटर्स ने हमारे शेयर होल्डर्स ने उनका जितना भी डिफरेंस अराइज होता है वो सारा डिफरेंस हम यहां पे ट्रांसफर करते हैं एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग दी कैपिटल रिडक्शन वी आर कैलकुलेटिंग द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन एंड वॉट एवर बैलेंस अराइज दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विच विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैलेंस शीट ओके और एक सिंपल रूल है जो मैंने आपको यहां पे दिया है जो आपको याद रखना है ताकि जिन स्टूडेंट्स को जर्रल एंट्रीज फ्रेम करने में प्रॉब्लम होता है या जर्रल एंट्रीज से डर लगता है उनके लिए ये बेसिक रूल है अगर आपको कहीं पे भी लॉस दिखा तो कैपिटल रिडक्शन हमेशा डेबिट होगा और अगर कहीं पे भी आपको प्रॉफिट दिखा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा मैंने यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा है अगर लॉस रहा तो डेबिटेड एंड वाइस वर्सा देन इट इज यहाँ पे क्रेडिटेड है ध्यान से इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगा क्रेडिटेड ठीक है अगर आपको प्रॉफिट आया तो हमारा प्रॉफिट आया तो क्या होगा प्रॉफिट आया तो हमको कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करना है और अगर लॉस आया तो हमें क्या करना है लॉस आया तो हमको कैपिटल रिडक्शन डेबिट करना है तो यही आपको बेस लेके चलना है ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं तो दीज आर द जनरल एंट्रीज विच आर रिलीवेंट टू द चैप्टर्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दिज ऑल एंट्रीज विल बी कवर्ड स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे सारे एंट्रीज दिए हैं तो आप ये पी को अभी डाउनलोड कर लेना आपके पास सेव कर सकते हो आप एंड सबसे पहला एंट्रीज है हमारा रिडक्शन इन शेयर कैपिटल देखो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो हमें सिंपल एंट्री याद रखना है इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे हम ओल्ड की वैल्यू लिखेंगे फिर यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल है यहाँ पे हम न्यू की वैल्यू लिखेंगे और व्हाट एवर डिफरेंस राइजेज दैट डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन जैसे मैंने अभी आपके साथ बात की है कि कैपिटल रिडक्शन में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर हम एंट्री नंबर वन देखें तो एंट्री नंबर वन मैंने इक्विटी का किया है सिमिलरली एंट्री नंबर सेकेंड जो है दैट इज वो रिलेटेड विथ प्रेफरेंस तो यहाँ पे इक्विटी नाम निकालो प्रेफरेंस नाम लिखो एंट्री सेम हो जाएगा सेम कंसेप्ट है ओल्ड डेबिट हो जाएगा न्यू क्रेडिट हो जाएगा एंड वॉट एवर डिफरेंस अराइजेस दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन एन द थर्ड पॉइंट इज सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स को हम सेटल कर रहे हैं से फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट था वन लाख रुपीज तो हमने डिवेंचर होल्डर्स को कहा डिबेंचर होल्डर्स हम आपको सिर्फ एटी थाउजेंड देंगे डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं ठीक है एट्टी थाउजेंड दे दो तो वन लाख डेबिट हुआ तो एट्टी थाउजेंड क्या हुआ क्रेडिट हो गया एट्टी थाउजेंड अगर क्रेडिट होता है तो कितना डिफरेंस बचा आपका ट्वेंटी थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड आपका कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा तो यही हमारा बेस है तो तीन एंट्रीज हमने यहाँ पे देखे अगले एंट्रीज में जाते हैं अगर हम क्रेडिटर्स को सेटल करेंगे सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स तो एंट्री क्या बनेगा क्या होता है कभी कभी क्रेडिटर्स को हम कैश देते हैं तो बैंक आएगा इक्विटी शेयर्स देंगे तो इक्विटी शेयर्स आएगा डिबेंचर्स देंगे तो डिबेंचर्स आएगा तो ये सारे पॉइंट हमेशा एक एक ही क्वेश्चन में नहीं आएंगे बट वी नीड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द क्वेश्चन वेदर वी आर प्रोवाइडिंग देम वेदर वी आर प्रोवाइडिंग देम इक्विटी वेदर वी आर प्रोवाइडिंग देम कैश और वेदर वी आर प्रोवाइडिंग देम डिबेंचर्स नेक्स्ट विल बी एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ दी असेट्स इसका मतलब होता है असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होना असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होना अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो याद रखना कैपिटल रिडक्शन हमेशा क्रेडिट होगा रूल इज वेरी सिंपल अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमें प्रॉफिट होता है और एक ही रूल है इस चैप्टर का अगर आपको प्रॉफिट होगा तो काफी सिंपल कैपिटल रिडक्शन हमेशा क्रेडिट होगा अगर आपको लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन हमेशा डेबिट होगा दिस इज द बेस ऑफ द टॉपिक तो इफ यू रिमेंबर दिस बेस दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फ्रेम द जर्नल एंट्रीज अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय ऑल द एंट्रीज टू लर्न ऑल दी एंट्रीज ठीक है अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो आपको प्रॉफिट होता है इसलिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करेंगे सिमिलरली अगर असेट्स की वैल्यू कम होगी तो दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन तो क्या करेंगे हम एंट्री कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे और असेट्स के वैल्यू को क्रेडिट करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे तो लास्ट के तीन पॉइंट से ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट एंट्री है एवरी क्वेश्चन में ये एंट्री पूछा जाता है सिंपल एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नेक्स्ट इज प्रेफरेंस डिविडेंट एरियर्स तो ये अगर आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंट एरियर्स में है ऐसा एडजस्टमेंट रहा तो ही ये एंट्री हमको करना है एंट्री इज कैपिटल रिडक्शन टू बैंक कभी कभी हम कैश पेमेंट में डिविडेंट uh, को सेटल नहीं करते कभी हम इक्विटी शेयर्स देते हैं तो इक्विटी शेयर्स भी आ जाएंगे ये सारे पॉइंट्स हम प्रैक्टिकली सॉल्व करने वाले हैं तो प्रैक्टिकल पॉइंट्स में मैं आपको और क्लियर करवाऊंगा कि किस तरीके से इसका एंट्री होता है एरियर्स इज वेवड वेव्ड का मतलब होता है कैंसल्ड ठीक है मतलब एरियर्स हमने पेड नहीं किया नॉट पेड कैंसल्ड हो गया एरियर्स अगर एरियर्स कैंसल्ड हो जाएगा तो हमको कोई भी एंट्री पास नहीं करती है, करनी है ओनली इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड तो प्रेफरेंस डिविडेंड में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आप पे करोगे तो ही एंट्री होगी अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं करोगे तो कोई एंट्री पास नहीं करनी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो नंबर नाइन पॉइंट देखते हैं फॉर असेट्स सोल्ड तो ये सिंपल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंट अगर कोई प्रॉफिट अराइज होता है तो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा और दो तीन पॉइंट्स है वो भी लास्ट के देख लेंगे ठीक है अभी लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट फॉर राइटिंग ऑफ फिफ्टीश अट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज ये आपके हर क्वेश्चन में रहने वाला ये काफी इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक मार्क कर लेता हूं दिस विल बी इन यवरी क्वेश्चन बिकॉज हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव ही है ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन टू राइट ऑफ द फिकटिशियस असिट्सिय राइट ऑफ करना यही हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है तो इन दिस क्वेश्चन आई हैव रिटर्न ऑल द्वार्स या इन दिस बेसिकली जर्नल एंट्री फॉर्मैट आई हैव रिटर्न ऑल द पॉइंट बट ऐसा नहीं कि आपकी हर क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स आएंगे जितने भी इनटेजिबल और फिकटिशियस असेट्स होंगे सारे के सारे हम यहाँ लेंगे अब फिक्टीशियस में प्रिलिमिनरी इज अ फिकटिशियस असेट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस इज अ अ अ मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस इज इज शेयर अक्टिशियनियस एक्सपेंसिस पब्लिसिटी कैंपेन इज अ एंड ऑल इंटेंजिबल जैसे गुडविल पेटेंट्स कॉपीराइट्स राइट्स ट्रेडमार्क्स उनको भी हमें राइट ऑफ करना जरूरी है सिंपल एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू जो भी असेट्स हमें राइट ऑफ करने हैं वो सारे लेंगे और ये सारे एंट्रीज होने के बाद लास्ट हमारा स्टेप है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ये हम कैलकुलेट करेंगे जर्नल एंट्री से ऐसे कैलकुलेट करेंगे जितने बार कैपिटल रिडक्शन का जो अकाउंट है वो डेबिट हुआ होगा और जितने बार कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट क्रेडिट हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे जितने बार क्रेडिट हुआ है उसको हम ऐड करेंगे और जितने बार डेबिट हुआ है उसको हम लेस करेंगे मतलब जर्नल एंट्रीज आप चेक करोगे नंबर वन से लेके ये सब प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा कि जितने भी एंट्रीज में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ रहेगा उसे हम प्लस करते जाएंगे और जितने भी जर्नल एंट्रीज में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हुआ रहेगा उसको हम लेस करते जाएंगे और आफ्टर दैट वॉट एवर बैलेंस वी आर गेटिंग दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंट्री विल बी वेरी सिंपल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट to capital reserve account so this this was the journal entries which we have learned in this part so that was the related part uh, regarding the re internal reconstruction basics so in this video we have covered internal reconstruction what do you mean by internal reconstruction what is the difference between internal and external reconstruction what is the need for internal reconstruction what is the basics of internal reconstruction and some of the general entries which are important for solving the questions because you are going to get 1 question of 20 marks on this chapter so in the next videos to come we will be learning the practical questions step by step i hope you like this video if you like it uh, just give your valuable comments if you uh, have any kind of suggestions to us just put that in the comment section so that in the next videos to come we will try to implement that thank you very much from this video thank you bye bye all of you take care